Hey, hello guys, welcome back to another new brand vlog. तो भाई साहब यहाँ पर आप देख सकते हो तो मेरे पीछे क्या रखा है guys, शायद आपको दिखाई दिया हो या नहीं दिखाई, मुझे नहीं पता। हाँ दिखाई दे गया भाई साहब, देखे कितना बड़ा दिया guys, फ्रेम में ही भाई साहब नहीं आ रहा है। भाई आज तो खजाना मिल गया बॉस, जो बात है भाई भंडी से मजा आते हैं, तो सारी आंखें खुल जाती हैं। लीजिए भाई साहब, ये रहा भाई, तुम कर रहे हो मौज मस्ती कर रहे हो, सारे गाइस आज मौज मस्ती कर रहे हैं बैठकर। और भाई साहब यहाँ पे आप देख सकते हो ये बकरा बैठा है यहाँ पर, तो नमस्कार देवी और सज्जनों, बकरा बोलता भी है। कैसे हो भाई, कैसे हो? मैंने जो ना एडिटिंग में इनकी टांग तोड़ दी। हाँ सही बात है। तो भाई साहब एडिट चल रही वीडियो, और गाइस इसकी वजह से मतलब पूरा स्टूडियो की वजह से, लाइट की वजह से भाई दो दिन भरे ऐसा खराब हो गया, सारा का सारा टाइम मैनेजमेंट बिगड़ गया, खराब हो गया सब। यह रॉक या डीजे पार्टी ये बस हो गया, मुझे पता तू एडिट ना करना वीडियो को। तो इस वीडियो को हमारे दूसरे एडिटर एडिट करेंगे, छोटा एडिटर है। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, मतलब उनको नाम है छोटा भाई वाला, छोटे बड़ा कुछ नहीं होता, छोटा भाई कोई छोटा बड़ा यूट्यूबर नहीं होता। ये ऐसे निकलेगा, चालू भी है पता नहीं, चालू है ना, है जिंदा। ओए भाई ना बिची हल्की सी तो हवा लगी होगी। आजकल पापा के परे भी इतने नाजुक हो रहे हैं कि भाई साहब पापा भी नाजुक नहीं होंगे। तो गाइस इसके अंदर कितने सारे फंक्शन है, देखिए इसमें ऐसा नहीं सिस्टम कटा, इसमें दबाने वाला बटन देखिए, ठीक है। और भाई रिकॉर्ड प्ले स्टॉप रिवाइंड फास्ट फॉरवर्ड और पॉज और पावर बैटरी और भाई साहब टेप काउंटर, ये क्या है? देखा इस यहाँ पर एक मीटर दे रखा जो कि एनालॉग मीटर है, यहाँ पर गाइस FM है, AM है, SW, HW2 है, और आई थिंक ये है वो, बाप रे ये तो घूम रहा है भाई साहब। स्पीकर और इक्वलाइजर आई थिंक, हाँ ये इक्वलाइजर है यार। एक बार बताऊं गाइस इसमें से स्मेल आ रही है कुछ, भाई सुन के बताओ जरा कैसी स्मेल आ रही है। हाँ भाई इसमें से चूहे के सूसू की स्मेल आ रही है, मुझे कैसे पता, क्योंकि भाई एक बार हादसा हो गया था कि गद्दे वद्दे पे काफी सूसू, एक कपड़े पड़े थे गद्दे पड़े, तो काफी जगह उन्होंने सूसू किया, कुछ ऐसी पोटी छोटी की छोटी वो आई थिंक क्या कहते हैं वो मिंग कहते हैं ना, छोटी छोटी पोटी कर रखी थी। अब तुम समझ जाओ इतनी गहराई में, जाओ मत लेके मेरे को यार, खाने कहाँ यार। अच्छा हमको सिखा रही है तो भाई साहब, खैर जो बात है यहाँ पे देख सकते हो काफी भारी फौज भाई, जरा तराजू लगाओ हमारा भाई, इसके अंदर वेट बहुत ज्यादा है भाई, देखिए अरे मैया भाई कम से कम 2 kg से ज्यादा वेट होगा इसके अंदर ना भाई, इसके अंदर 3 kg वेट होगा कम से कम। तो ये रहा 0-0 ठीक है, और भाई साहब है भाई देखिए 3.5 kg गाइस इसके अंदर वेट है। तो मैं भी तो यार हाथ कैसे दुख रहा मेरा, अभी जब मैंने वीडियो गाड़ी स्टार्ट करी थी तो भाई साहब हम थंबनेल ले रहे थे उस वक्त, तो भाई मेरा हाथ दुख गया थंबनेल लेते लेते बार बार। फौज भाई हटा हुआ धर्म कांटे को, फौज भाई कैसेट लेके आए थे, कैसेट कहां से? तो गाइस इसके फंक्शन आपने देख लिए, ये रहा फोन, अरे सब फोन पे कनेक्ट हो जाता है, अरे यार मजाक कर रहे भाई, आई थिंक फोन का सिस्टम माइक का था, फोन तो ऐसे कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि भाई साहब जिस टाइम का है उस टाइम कहां मोबाइल। खैर जो बात है गाइस ये मस्जिद, और यह शार्प स्टूडियो रेडियो कैसेट रिकॉर्डर GF गर्लफ्रेंड 7500 फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है देखो 10,000 Hz, 2 स्पीकर, और यह ऊपर 2 झनकार। जी हाँ आइए आइए कुल्फी खाइए, मेरठ वाले की मशहूर, दिल्ली में क्यों बेक रहे हो तुम, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो भाई यहाँ पर एक है इसका एंटीना जो कि भाई साहब ओ भैया, अब ये तो स्टूडियो बाहर निकल जाता दिखा है, अरे बाहर निकल गया गाइस देखो, अरे भैया बुर्ज खलीफा गिर गई, देखो ये काफी ऊंचा है जो बात है, ठीक है खत्म ही नहीं हो रहा था, तो भाई इसे चुपचाप बंद कर लेते हैं। वैसे गाइस ये ब्रास का होता है मोस्टली, आई थिंक जिसे गाइस पीतल कहते हैं, ठीक है। और क्या का फंक्शन है इसके अंदर, लाइन इन राइट लेफ्ट और एक्सटर्नल माइक और लाइन आउट, ये इन है ये आउट है, और एक्सटर्नल स्पीकर, अरे वाह फंक्शन ही फंक्शन, और ये है बीट कैंसल ABC ABCD छोड़ो 551 लूंगी। देखो गाइस यहाँ पर, ओ भाई इसके अंदर क्या मिला है, ओहो 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 बताओ गाइस क्या है भाई, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी, एक साइंस प्रोजेक्ट बनाया था, बोल सकते गाइस क्या है, चलो कमेंट सेक्शन बताना, देखते गाइस नॉलेज लोग कैसे नॉलेज आपकी कह रहा। और भाई मैं आपको एक छोटा सा क्लू देता हूँ, इससे गाइस इलेक्ट्रिसिटी भी बन जाती है, जब इसे दबाते है ना ऐसे तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और 1, 2, 3, 4 इस पे 6 से लिखे हैं, ओ माय गॉड इसके गाइस अंदर चले आते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा 1, 2, 3, 4, 5 5 सेल है इसके अंदर, ठीक है, और गाइस 3 सेल यहाँ इसके अंदर, तो भाई टोटल 8 सेल लगते हैं इसमें, और भाई 12 वोल्ट हो गए, क्योंकि गाइस 1.5 वोल्ट का एक बैटरी होती है, सेल होता है, और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो यार ये GF याद दिलाता मेरे को है ही नहीं मेरी क्या कहे, छोड़ यहाँ पे देख सकते हो भाई टेप रिकॉर्डर है, और ये रहा 100 से 127 220 240 वोल्ट चल जाएगा, 3500 वाट का गाइस ओनली, तो ये काफी ठीक है, बहुत ही गाइस कम पावर लेता है 3500 वाट, उस टाइम के हिसाब से 3500 वाट बहुत ही कम थे, आज तो 3500 वाट बहुत ज्यादा है, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता भाई साहब, अगर 3500 वाट के लगा दे घर वाले बहुत मारते हैं, लुंगी से मारते हैं, लुंगी से कैसे मारते हैं, गले वाले लटका देंगे
भाई इसमें कहीं भी आपको लग रहा है कहीं भी आप इसे एक्सटर्नल पावर दे सकते हैं, लग रहा कहीं भी? यार मेरे को तो लग नहीं रहा। तो भाई साहब इसमें कोई भी एक्सटर्नल पावर का ऑप्शन नहीं है। फौजी भाई बाहर ले चलो गाइस, बारिश आ रही है यार। भाई इस बारिश के चक्कर में गाइस मेरा एक प्रोजेक्ट भी डिले हो पड़ा है भाई, मैं चेक नहीं कर सकता उसे। देखो भाई इतना मौसम खराब है यार यहाँ पर, मतलब भाई मैं जानता हूँ किसी इंसान का पेट खराब हो जाए इतनी टेंशन नहीं होती मेरे को, मेरे हो जाए तो मुझे हो जाए टेंशन, मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ। लेकिन बारिश जो ना जब आनी चाहिए भाई, जब हमारा काम ना हो, जब कोई प्रोजेक्ट अटका हुआ ना हो। ओजू भाई की फेवरेट हीरोइन कौन है? मैं बता रहा हूँ श्रीदेवी की बेटी। गाइस फौजी भाई की जो फेवरेट हीरोइन है वो है श्रीदेवी की बेटी। वैसे तो भाई बेटे आई थिंक दो हैं शायद, लेकिन एक ही है भाई की फेवरेट। एक हो रहा भाई लास्ट में कपूर आवाज़ के नाम। करीना कपूर नहीं, करिश्मा कपूर नहीं, स्टार्टिंग में जय है लास्ट में कपूर है। अरे वो तो वही तो है, वही तो है श्रीदेवी की बेटी ससुरे जाह्नवी कपूर की बात कर रहा है। सारा क्लू खत्म करवा दे इसने। मेरा चप्पल कहाँ है? नई वाली चला। तो फौजी भाई भैया लेकर आए हैं, बहुत बढ़िया। ओए होए भाई फौजी भाई कौन कौन सी लिया? अबे चलंगी कैसे है? क्या लिखा है? इश ओ इशरत का सामान। हाँ सामान तो है हमारे पास। जो बात है गाइस फटाफट फौजी भाई हटाओ ना, कभी कैसेट की जरूरत ना। तुमने कैसेट कैसे लाए? वल्ला हबीबी ये हम क्या मांगती, तुमने क्या दे दी फौजी भाई? ज्यादा गाइस फालतू बातें नहीं करते, फटाफट भाई साहब इसे ओपन करके देखते हैं, फिर भाई साहब इसे पावर भी देंगे और देखते हैं इसे काम करता नहीं करता। सुसरा तो लंबा के फ्रेम में भी नहीं आ रहा है। कितना लंबा निकला, कितना लंबा भी हो गया इसको। है ना स्टाइल मारते हुए खा के दिखो भाई, ये कोई प्रमोशन नहीं है, कोई सी भी खा किसी इंसान की जवानी पर ये सही है और भला से सही है जो है एक्सरसाइज इसकी। मोन्टी की शादी हो गई, बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं गाय, बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं कह रहे हैं कि हम अपनी शादी में ले गए। इसके बच्चे से मामा बोले ना खोज भाई तुमने क्या बात कह दी? ये क्या हो गाइस? एक मुझे जी भी खुल रहा ना, एक गाना याद आ रहा है तोड़ू नोट्स, मतलब तोड़ सकते हैं मेरा करना वाला ये। भाई साहब साफ साफ इनने इनकार कर दिया है कि मर जाऊंगा खुलूंगा नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ तो मार ही दूं। ठीक है भाई साहब बात ऐसी है तो भाई पहले तो खोल लेते हैं वरना गाइस ब्लॉग जो ना चांद तक जाएगा। हाँ तो गाइस ये खुल चुका है फाइनली। देखिए गाइस यहाँ पर भाई ये बिल्कुल बेकार हुआ पड़ा है, स्पीकर के वायर सब टूट पड़े हैं। तो भाई किसी ने इसमें पहले कार्यस्थानी करने को और आई थिंक इसे अच्छे से चिपका रखा, मतलब भाई इतना मुश्किल में निकला गाइस मुझे पता भाई। स्क्रू ड्राइवर पेच गई, इतने बड़े बड़े गाइस देखिए इतने बड़े बड़े लेकर आऊंगा गाइस जब जगह भाई ये खुला है। यहाँ पे देखिए गाइस मीटर लग रहा है गाइस, कुछ एलईडी हैं और बाप रे भाई एलईडी गाइस देखिए सारी एलईडी जुड़ी हुई हैं, सारी एलईडी जुड़ी हुई है, कोई भी अलग नहीं है, सारी अलग लगता है कार्टिनो कंपनी ऐसी भेज दी। और ये इसकी पुली है जो आई थिंक बैंड चेंज करने काम आती है ना, जिसे इस पे एक धागा बंध रहा होगा सूत, मैं आपको दिखा दूं अगर मिल जाए तो भाई मेरे को वो धागा जरा। देखो भाई जो गाइस इस पुली पर चलता है ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है देखिए, जो कि कैसेट चलाने का है। और आई थिंक गाइस ये रिकॉर्ड के लिए है, ये हेड है और ये रिकॉर्ड के लिए है जो कैसेट को रिकॉर्ड करता है। ये गाइस सारे तावा सब टूटे पड़े हैं भाई, देखो ये गाइस किसी ने पहले कार्यस्थानी कर रखी है, सारा मोड खराब हो गया यार। हम इसकी टेस्टिंग करते काफी मजा आता, लेकिन गाइस पहले किसी ने बैंड बजा रखी है इसकी। खैर गाइस कर तो सब भी हम सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, इसे चालू हम कर सकते हैं। और गाइस स्पीकर तो बिल्कुल भाई ये फटा हुआ है, इसे गाइस फटा हुआ नहीं, ये चूहों ने उतर दिया लग रहा है गाइस बिल्कुल। और ये भाई स्पीकर ठीक है और इसमें 8 वाट का स्पीकर लग रहा है, अच्छा मैक्स 8 वाट है। लो फौजी भाई इधर ऊपर है वो, इसके में जरूरत नहीं है भाई, हीट सिंक बढ़िया डायरेक्ट आईसी पर लग जाएगी। ये भाई आईसी के लिए भी नहीं आई थिंक, इस हीट सिंक को निकाल लेंगे हम और इसमें इतना कुछ खास नहीं है। ये चैनल आई थिंक इसका, ये प्रीसेट लग रहे हैं यहाँ पर, एक बोर्ड लग रहा है और ये देखिए यहाँ पे ये इक्वलाइजर है। ला 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 लो 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 ला 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 कुछ ऐसे गाइस काम करते हैं। मैंने आपको गाइस हमारा थोड़ा बजट कम है तो भाई हमारे मैंने कोशिश की गाइस मैं बेहतर कर सकूं किसी काम को, जो कि हुआ नहीं मेरे से वो बात अलग है। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रहने दो। इसमें गाइस काफी अच्छी क्वांटिटी में कैपेसिटर लग रहे हैं जो कि हमारे काम के नहीं, 4-5 ही बस। हाँ कोई बात ना गाइस, मीटर भी निकाल लेते हैं है ना। ओ ये हाँ, अरे भाई साहब देखो ये भी इस पर चलता थे गाइस। भाई एक काम करते हैं इसकी फरकनी बनाते हैं। भैया बन गई फरकनी, देखिए ये पूरा एक राउंड लेगा तभी एक लेगा, यानी कि एक से लेकर 9 तक या 0-10 तक आप मान सकते हो, एक से लेकर 10 तक। तो भाई पूरा एक चक्कर घूम जाएगा तभी एक बार घूमेगा, और भाई जब ये ऐसी एक से लेकर 10 तक पूरा घूम जाएगा तब गाइस एक बार घूमेगा। चलो यहाँ देखिए 5 देखिए 6-7-8-9-10 देखिए, अब देखा अभी घूमने के बाद देखो ठीक है, ये भी 7 पटका हुआ है ठीक है। ओ देखो 9, अब देखिए 8 हो जा गए, 8
ये बढ़िया करो, अभी नौ जाएगा, सात आठ नौ, नौ बार। देखो भाई हमने तो इसकी फरकनी बना दी है, बात है ये भी क्या याद रखेगा, मीटर नुकाएगा, ओह माय गॉड इतनी फास्ट स्पीड, इतनी फास्ट स्पीड भी होती है क्या, मैं कब होती नहीं है, हमने करके दिखाई। ये खैर गाइस काफी काम की चीज मिली, तो भाई हम इसे रख लेंगे। और भाई ये देखते हैं इसके अंदर और हमारे काम का क्या, वैसे गाइस कम्प्लीट हमारे काम का है, बहुत सारी चीज गाइस इसके अंदर है हमारे काम की। और इसके अंदर गाइस मोटर है, ओ भाई साहब भाई कितना है मोटर है बॉस, देखो ये है भाई मोटर। तो भाई इसका मोटर तो निकालना बनता है, देखो भाई कुछ निकले इसका मोटर तो हम जरूर निकालेंगे। लो भाई साहब ये स्विच मस्त है, देखो पुश। अरे भाई ये स्विच नहीं है गाइस, ये रिले है, यही तो रोल मचाती है, रिले नहीं है इसका नाम, रोले है, रोले रोल मचाती है। इसे भी खोल के देखते हैं, आज इसको ड्राइवर के की तैसी कर रखी है हमने, तो भाई चला के देखते हैं। तो खैर ये सही काम कर रही है, तो खामी ने गाइस किया, काम आएगी किसी प्रोजेक्ट में, रख देते हैं इसे निकाल कर। और हाँ मोटर की बारी थी गाइस, और उसमें गाइस पुली भी काफी हैवी में लग रही है, देखो। ओ भाई ये है धांसू मोटर, आई थिंक ये बार बोल्ट का होगा मोटर, फिर भी ये चल जाएगा। और भाई इस मोटर को हम चला के देखते हैं, देखो भाई चल गया, देख दबे ऐसा सर हाँ तार लाम पता, लेकिन गाइस ये चल गया जो बात है, बढ़िया इस मोटर को निकाल लेंगे। ओ भाई ये तो बोल्ड बहुत छोटे छोटे तरके हैं, टूट गए पता लगेगी, टूटे नहीं है इतने से ही है ऐसा, इनकी जो स्क्रू है ना ये बहुत छोटे छोटे हैं, बस देखिए बस दो चार छोटे छोटे हैं, ठीक है वैसे रोक दें, बस हो गया काम, देखो रुक गया। ऐसा भाई इतना हैवी मोटर मैंने देखा नहीं है किसी कैसेट प्लेयर में, मतलब होते हैं लेकिन उससे हाफ होते हैं, ये थोड़ा हैवी मोटर है इसके अंदर। चलो गाइस रख लेंगे, और यहाँ से इसकी स्पीड कम या ज्यादा कर सकते हैं, इसके अंदर कट लगा हुआ है, जब स्क्रू ड्राइवर के अंदर जा रहे हैं देखिए ये अंदर चला जाएगा, देखिए ये रहा देखो कट लगा हुआ है इसके अंदर। और भाई साहब इसके अंदर क्या है, ओ भाई ये तो बेल्ट आई थिंक गल की होगी, हाँ देखो भाई बेल्ट इसकी गल की, तेरी नहीं टूट जाएगी, काफ़ी टाइम हो गया ये बढ़िया, अभी देखो ये गाइस हैवी है काफ़ी, ये कहाँ से है, अरे भाई ये तो लोहे का भाई, इस पर देखते छुपा के, हाँ देखो भाई गाइस ये लोहे का भाई, मतलब बढ़िया, ये है फ्री व्हील, ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेगा, देखिए कर ली देखिए, बाद में यूज कर लेता जब रुकता है, मतलब ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम चलता रहेगा, मतलब चलता है जितना इसके अंदर एनर्जी उतना तो चलेगा यार। तो गाइस हमने इसमें से दो चीज निकाली है, बाकी गाइस हमारे काम का है, तो भाई वो मैं बाद में निकाल लूंगा ना गाइस, व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि गाइस ये सारी चीजें आपने देख रखी है काफी मेरे व्लॉग में, आप देख सकते हो मैंने काफी बार निकाल लिया पुलिस वुली को, और भाई इसके अंदर कोई भी दूसरा मोटर नहीं होगा इसमें निकालू, वो सब हिसाब कैसे रेजिस्टेंस बैक में लग रहे हैं, ये एसएमडी रेजिस्टेंस बना रखे इन्होंने, ये एसएमडी रेजिस्टेंस आपके मुकाबले गाइस, अब तो खैर बहुत छोटे हो गए, ये पहले के टाइम में कितने छोटे छोटे हैं, ये बढ़िया अब तो गाइस बहुत छोटे आते हैं, है ना, लेकिन गाइस पहले भी काफी अच्छी टेक्नोलॉजी थी जो गाइस ये यूज करते थे, वैसे गाइस हमें ये नहीं पता ये कितना पुराना है, तो गाइस वो देखते हैं कितना पुराना है, गूगल बाबा बताएंगे हमें। तो भैया ये है शार्प GF 7500, वैसे भाई जिसने नाम रखा ना तो समझ के रखा, कोई आशिक होगा भाग्य होगी इसकी, गजब बेइज्जती है। तो भाई साहब इसका तो बहुत प्यार से मिल गया, और गाइस देखिए लिखा है इट्स ए क्लासिक बूम ब्लास्टर फ्रॉम 80s, द एफएम प्लेयर इट्स वर्किंग कंडीशन, 80 का है, खैर जो बात है देखिए गाइस जरा सेम टू सेम यही है, शार्प रेडियो कैसेट रिकॉर्ड GF 7500 इन मुंबई महाराष्ट्र फॉर सेल, ये 4000 रुपए का दे रहे हैं, कौन लेगा। खैर इसकी गाइस लॉन्च डेट कहाँ है मैं देखता हूँ, अगर मेरे को मिल जाए लॉन्च डेट, हाँ भाई लॉन्च डेट तो काफी मुश्किलें पैदा कर रही है, लेकिन भाई इतना जरूर पता है कि 70s और 80 का ये एक मस्त और धांसू वाला कैसेट प्लेयर रेडियो हम इसे क्या कहेंगे, मतलब एक तरह का इस ये साउंड सिस्टम है। हाँ तो गाइस अगर मोटा मोटा हम हिसाब लगाएं 70 या 80 का, तो मोटा मोटा जैसे 70 मान के चलते हैं, क्योंकि इसकी हालत भी कुछ हमें ऐसी लग रही है भाई काफी पुराना है, तो भाई मान के चलो 30 साल और 23 साल 55 साल, देखो भाई साहब मेरे पापा की उम्र है इतनी, काफी लोग कमेंट है कि समर तूने एंटिक पीस तोड़ दिया, पुराना है तो था यार, अरे मजाक कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे रखे, मतलब जहां जगह इसमें लेकर आऊँ ऐसे दो चार और रखे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई एक एंटिक पीस नहीं है, मतलब हाँ एंटिक पीस तो कैसे मुझसे कह सकते हैं भाई एक आदि बस मुश्किल से मिला है या मिल भी नहीं रहा है, किसी ने स्टॉक रखा वो देने को तैयार नहीं है, और देगा तो कहीं काफी कॉस्टली देगा अपने रेटों पर देगा, वेल वह तो देखते नहीं है, उससे लोगों को शौक होता है, तो भाई देख सकते हो कितना सारा इसने यहाँ पर फैला दिया रायता सा, तो कहीं इसमें से काफी चीज निकाल लूंगा, क्योंकि भाई मैं इसे खरीद के लेकर आया हूँ, और
अभी मेरे को गाइस काफी वैसे कॉस्ट नहीं मिला है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। मुझे गाइस काफी शौक है ऐसी पुरानी चीजों को तोड़ फोड़ करके देखना उनके अंदर क्या। मेरे अंदर कीड़ा है एक, हाँ सांप है, बल्कि कीड़ा गाइस बड़ा हो चुका है, सांप बन चुका है। गाइस वैसे बाहर थोड़ी सी बूंदाबांदी पड़ ली, मैं बाहर गया था, मैं अंदर आ गया। तो फ्रेंड्स आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगेगा, काफी गाइस आपको नॉलेज मिलेगी, कुछ आपको गाइस नया सीखने को मिला होगा कि भाई इतनी पुरानी चीजें होता क्या है और गाइस इतनी पुरानी चीज कैसे कैसे काम करती है, कैसे कैसे उनकी टेक्नोलॉजी रही है। तो प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब। कुछ तरीका है भीख मांगने का? जी हाँ भाई साहब, यही तरीका है भीख मांगने का, वरना यार आप भूल जाते हो। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।